तमाम लोग जो वीर सपूत महात्मा गांधी जी, जेपी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, अशफाकुल्ला खान, तमाम लोगों का जो विचार है, और जब हम लोगों ने शुरुआत किया और शिक्षक दिवस के दिन हम लोगों ने इसको शुरुआत करने का काम किया, या कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें छात्र भी बढ़ चढ़ के, युवा नौजवान वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और देश दुनिया को चेंज करने का, क्योंकि उसके अंदर क्षमता रहता है। पुरस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव लगातार अपने छात्र जनशक्ति परिषद का विस्तार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का संविधान सार्वजनिक किया है। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी जो परिषद है वो लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव के विचारों से प्रेरित है। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, सुनवाते हैं आपको। और हम छात्र जो होता है वो आंदोलन में, चाहे वो किसी भी दल में रहे छात्र, वो पूरे तरीके से दिशा को चेंज कर देता है, मोटिवेशन ला देता है। तो हम लोगों ने, या कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें छात्र भी बढ़ चढ़ के, युवा नौजवान वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और देश दुनिया को चेंज करने का, क्योंकि उसके अंदर क्षमता रहता है, कुछ कर गुजरने की चाहत रहती। भगत सिंह भी नौजवान थे, राजगुरु भी नौजवान थे, सुखदेव भी नौजवान थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी नौजवान थे। तमाम लोग जो वीर सपूत महात्मा गांधी जी, जेपी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, अशफाकुल्ला खान, तमाम लोगों का जो विचार है, और जब हम लोगों ने शुरुआत किया और शिक्षक दिवस के दिन हम लोगों ने इसको शुरुआत करने का काम किया, और इसको हमने जेपी जी का जो हाउस है, जेपी जी जहाँ रहा करते थे, वहाँ से हमने शुरुआत करने का काम किया और उनकी विचार को जन जन तक पहुँचाने का, और ख़ासकर जो नए नौयुवक जो नौजवान हैं वो पूरे तरीके से, आप देख लीजिए आज की डेट में पूरे तरीके से भटक रहे हैं। तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया कि आप अपना हक का लड़ाई खुद लड़िए और देश दुनिया में आप अपना नाम रोशन, देश का नाम रोशन करने का काम किया। तो हमने एक संविधान, छात्र जनशक्ति परिषद का जो संविधान है, बबलू जी ने रात दिन मेहनत करके और हम लोगों ने मेहनत करके इसको बनाने का काम किया है। ये जो संविधान है, जो परिषद का संविधान है, इसमें सारी नियम कानून कायदे परिषद का लिखा है कि किस तरीके से छात्र नौजवानों को जोड़ना है और किस तरीके से चलेगा, ये आपको विशेष रूप से बबलू जी बताने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो छात्र जनशक्ति परिषद है वो लगातार छात्रों के हित में काम कर रही है, छात्रों को इसके जरिए एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर छात्र जुड़कर अपनी बातों को लोगों तक रख सकते हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।